अब हम पहुंच रहे हैं राजगृही तीर्थ में। जी हाँ, असली राजगृही की याद दिलाए ऐसा श्री मुनि सूरत स्वामी का तीर्थ आकार ले रहा है बावड़ा और बगोदरा के बीच। इस तीर्थ की परिकल्पना प्रेरक परम पूज्य श्री अक्षय चंद्र सागर जी महाराज साहेब की है। हाईवे पर निर्माण हो रहे इस तीर्थ में असली राजगृह के जैसे ही वैभार गिरी वगैरह 5 पहाड़ बनाए जाएंगे। वैभार गिरी पर शाली भद्र मुनि ने अनशन किया था, उसी तरह नमस्कार मंत्र के श्रवण से बाज को भी अगले भव में राजकुमारी का रूप प्राप्त हुआ। इन चमत्कारी घटनाओं को भी यहां जीवंत किया जाएगा। इसकी प्रतिष्ठा का लाभ सूरत निवासी श्री योगेश भाई झवेरी ने लिया। हमारा अगला मुकाम है नवकार धाम। नवकार मंत्र की शक्ति के स्मारक रूप इस तीर्थ का निर्माण हुआ है। जैन धर्म का विश्व प्रसिद्ध महामंत्र यानी नवकार मंत्र कोरज धाबी के मूल निवासी श्री विनोद चंद्र बाबूलाल शाह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोजबेन इस तीर्थ स्थान के निर्माण का कारण बने। इस तीर्थ की प्रतिष्ठा जून 2011 में हुई। नवकार मंत्र का सार जानने में काफी समय बिताने के बाद इन दोनों को विश्वास हो गया कि इन पंक्तियों में छिपा है परम ज्ञान और परिपूर्ण जीवन जीने का रहस्य। जिनालय में श्री पार्श्वनाथ प्रभु की 11 फुट विशाल प्रतिमा विराजमान है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु की महिमा तो अपरंपार है ही, यहाँ आने वाले भक्तों को भी इस बात की अनुभूति होती रहती है। व्याख्यान हॉल है जिसमें बैठकर भक्तजन नवकार मंत्र की आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा परिसर में धर्मशाला, भोजनशाला वगैरह स्थापत्य भी भक्तों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्माण किए गए हैं। गुरु भगवंतों के लिए उपाश्रय का निर्माण हो रहा है। और नवकार मंत्र से दुनिया में विश्व में शांति होवे और जैन शासन का शासन चलता रहे और दुनिया में आगे जैन शासन चले, ऐसा हमारा विचार है। जेने हये श्री नवकार तिने शू कर से संसार, इन कड़ियों को गाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने प्रतापी पूर्वजों और संस्कृति के अवशेषों को अपने इतिहास में समाकर बैठे लोतल की तरफ प्रयाण करेंगे। यहां से कुछ ही दूर पर लोथल पुरातत्व संग्रहालय है। बाईं तरफ एक छोटा सा मोड़ लेते ही केंद्रीय पुरातत्व विभाग की पहलकदमी से शुरू हुए इस संग्रहालय में आप देख सकेंगे हड़प्पन संस्कृति के पुराविशेष। उस जमाने के खिलौने, गहने और उपकरण
आपको आश्चर्य होगा ये देखकर कि कितनी ही चीजें जो हम आज इस्तेमाल करते हैं केवल एक नया रूप है उन सारी चीजों का। संग्रहालय के बगल में ही एक बहुत पुरातन उत्खनन की जगह है। इसके बाद आप देख सकते हैं पुराने मिट्टी के बर्तन और कुएं भी।